आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ये जो क्वांटम फिजिक्स है, लोग इसे इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि ये है क्वांटम फिजिक्स, ये कर सकती है वो कर सकती है। असल में क्वांटम फिजिक्स होती क्या है, इसके साथ में डायमेंशंस क्या होते हैं, आयाम जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, सोल, आत्मा, ये क्या सच में होती है, सच में ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसके साथ में आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और मेरे को पता है यार ये सब आपको प्रोफेसर टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये सब जरूरी होता है। तो ये पूरी तरीके से आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटम फिजिक्स असली में होती क्या है और ये क्या काम करती है। ए टू जेड क्वांटम फिजिक्स ये हिस्ट्री बताने वाला हूँ, डायमेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ, सोच के बारे में बताने वाला हूँ। और उसके साथ में अगर लंबा हो रहा हो तो देख लेना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आइंस्टाइन के फॉर्मूले E=mc² की भी चर्चा करने वाला हूँ और इसमें एटम का असली में स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और क्या सचमुच ये क्वांटम फिजिक्स होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप जो मेरा वीडियो यहाँ पर है ना देख नहीं रहे हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखो यार, क्योंकि मेरे जहाँ पर है ना अभी व्यूज़ है वो 37% गिर चुके हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर है ना एकदम अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी एक मेहनत कर लेना, ये सब्सक्राइब का बटन है उसे जाकर क्लिक कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, किसी को क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो यार ये क्वांटम फिजिक्स पता है, ये थोड़ा बिगड़ गया, ले लेता हूँ अच्छे से। क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को मतलब एकदम क्वांटम लेवल पे देखना। अब क्वांटम लेवल पे देखने का मतलब मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, समझ लो ये पत्थर है आप उसे एकदम ये ऐसे दूरबीन से उसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा एकदम, मतलब एक तरीके से कांटे टाइप के दिखेंगे। ये पत्थर फ्लैट नहीं होता है, बल्कि इसमें क्वांटम लेवल पे देखोगे ना तो बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, माइक्रोस्कोप में दूरबीन से देखोगे। लेकिन अगर आप उसे एकदम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको दिखने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे। यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर है ना ये कि असली के एटम का फिगर है, यहाँ पर है ना बहुत कम लोग बना पाते हैं और दिखा पाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी आप फोटो खींच लेना। तो यहाँ पर है ना ये जो है हम लोगों का, ये यहाँ पर एटम का फिगर है, और ये जो एटम का फिगर है ना, ये एटम के फिगर में ये जो छोटी छोटी चीज आप देख रहे हो ना, ये मैंने ये डॉट किया और ये डॉट के, इतने सारे जितने भी डॉट के ना, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इन तीनों को मिला देंगे तो एटम बनेगा। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है कि ये मतलब ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ये पूरा एटम ही है, और ये एटम के बीच में यहाँ पर है ना ये क्या है, बीच में एक मेन एटम होता है और उसके आजू बाजू जो चक्कर लगा रही चीज़ें होती है वो होती है असली एटम की चीज़ें, असली में पूरा एटम बोला जाता है, लोग बोलते हैं बीच वाला एटम। और ये एटम को बनाने में आता है इलेक्ट्रॉन फोटॉन न्यूट्रॉन, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है एक एटम। अब यहाँ पर अगर आप इसे माइक्रोस्कोप लेवल पर जूम करोगे तो आपको ये जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, सॉरी पूरा ये एटम दिखेगा, ये इतना बड़ा एटम माइक्रोस्कोप लेवल पर एटम दिखेगा एकदम, मतलब ऐसे छोटा मोटा माइक्रोस्कोप नहीं, एकदम पावरफुल वाला माइक्रोस्कोप अगर आप लगाओगे तो आपको ये आइटम दिखेगा। और अगर आप यहाँ पर है ना एकदम पावरफुल वाला जो होता है पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल हबल का टेलीस्कोप, असली वो टेलीस्कोप है, उसके एक माइक्रोस्कोप वर्जन भी होता है, इससे आप एकदम डीप लेवल पे देख सकते हो, इससे आप वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को देख सकते हो। क्या देख सकते हो, लिख देता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन फोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन और न्यूट्रॉन, आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हो। ये आज तक का सबसे मतलब पास में देखी हुई चीज़ है, एकदम सबसे ज़्यादा जूम्ड चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ साइंटिस्टों के हिसाब से अगर आप इससे भी ज़्यादा जूम कर पाओगे, जो आगे फ्यूचर में यहाँ पर साइंटिस्ट अगर टेक्नोलॉजी निकालती है, तो इससे भी ज़्यादा अगर आपने किसी टाइम में फोकस कर लिया तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं दिखेगा, बस एनर्जी दिखेगी। एनर्जी नॉर्मली मतलब होता है इसका एनर्जी का मेरे हिसाब से मैटर, क्योंकि देखो यार हर एक चीज़ में क्या होता है, एटम होता है। और मैं बता दूँ, जो आपने सुना होगा ना एटम बॉम्ब, वो भी इन एटम से ही बना होता है। एटम बॉम्ब मतलब कि हर एक चीज़ में से एटम निकाल के ज़्यादा इकट्ठा कर लेना और उसे एक जगह पर पटक देना, तो इससे सारे जो एटम होंगे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होंगे और एटम एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती, समझ लो ये एक एटम है ये एक एटम है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन,
और फ्यूजन अगर होगा तो इसके हिसाब से वहाँ पर रहना ब्लास्ट होने चालू हो जाएंगे, और जो अरबों खरबों की मात्रा में यहाँ पर एटम एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर बहुत तेज ब्लास्ट होगा। हिरोशिमा नागासाकी आपको पता होगा, तो वहाँ पर ये हुआ था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर रहना ये एनर्जी होती है एक तरीके की, एटम की। और जूम करोगे तो आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उससे भी अगर आप जूम कर दोगे तो एनर्जी मिलेगी। नॉर्मली एनर्जी का ये इस हम लोग के हिसाब से जो मैटर है और एनर्जी है ये सेम होती है, यानी आप मैं ये हर एक चीज़ जो भी मैटर की बनी है सॉलिड फॉर्म में है वो सारा एक मैटर है, और अगर वो एक मैटर है तो इसके हिसाब से वो एक एनर्जी है, क्योंकि अगर आप उसे जूम करोगे तो वो तो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। और साइंस के यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला निकाला था इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे होंगे या इंजीनियरिंग करोगे तो आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पर है ना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब होता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी का फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी अगर कभी खत्म नहीं होती, यानी वो एनर्जी प्योर एनर्जी अगर होगी तो बिल्कुल खत्म नहीं होगी। प्योर एनर्जी के बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं, तो ये हम लोग की नॉर्मल एनर्जी है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की वजह से। और एक एनर्जी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी का मतलब कि उसमें कोई एटम नहीं है। एटम का मतलब कि यहाँ पर है ना, ये एटम किस तरीके से बनता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन और न्यूट्रॉन ये तीन एक साथ में मिलके फ्यूजन करेंगे या जुड़ जाएंगे तो फिर उससे बन जाएगा एटम, और एटम से बनेगा मास। लेकिन अगर इन तीनों से एक भी चीज़ की कमी होगी तो फिर वो यहाँ पर है ना प्योर एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि उसमें तो एटम होगा नहीं, मास बन नहीं सकता, या फिर इन तीनों चीज़ों में कोई दो चीज़ें या एक चीज़ खत्म हो जाएगी। तो हम लोग की जो आत्मा होती है जिसे हम लोग नॉर्मली सोल बोलते हैं, सोल में ये न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, बस इलेक्ट्रॉन और फोटोन होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन एक साथ में फ्यूजन करेंगे तो एटम नहीं बन पाएगा, एटम नहीं बन पाएगा तो कोई मैटर मास नहीं बन पाएगा, और मास नहीं बन पाएगा तो हम लोग उसे देख नहीं पाएंगे, बस हम लोग उसे फील कर सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर है ना माइक्रोस्कोप एनर्जी अगर निकालेंगे, माइक्रोस्कोप एनर्जी है मतलब नॉर्मली रडार, रडार आपको पता है ना यार, ये समझ लो रडार है, आपको पता है मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, ये रडार है। और अगर यहाँ पर कोई आत्मा है, समझ लिया एक आत्मा है, मैंने ड्राइंग कर दी इंसान की, मैं पता नहीं यार आत्मा कैसी होती है, तो यहाँ पर आत्मा है ये ऐसे टकराएगी और ऐसे वापस आएगी। अगर वापस आ गई तो पता चल जाएगा कि वो जो एनर्जी है एक दूसरे में फ्यूजन कर रही है, पहले तो वो फ्यूजन करेगी, या तो वो एनर्जी वापस नहीं आएगी, बिल्कुल भी वापस नहीं आएगी, या तो टकरा कर वापस आ जाएगी तो वहाँ पर मैटर होगा, और अगर नहीं आएगी फ्यूजन होकर खत्म हो गई तो फिर उसके बस थोड़े बहुत पिम पार्टिकल वापस आएंगे, और अगर पिम पार्टिकल वापस आए इसका मतलब वहाँ पर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो उस एनर्जी को लड़ रही है उसके साथ, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेव फ्यूजन। क्या बोलते हैं? हाँ पता है यार, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, अभी लिखना भी पड़ेगा, पूरा बोर्ड भर गया लिख लिखकर। हाँ क्या है ये रेडियो एक्टिव फ्यूजन, मतलब कोई एनर्जी दूसरे एनर्जी से लड़ाई करने लग जाए, और अगर वो दोनों एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव में है तो फिर अगर वो दोनों लड़ाई करेगी तो फिर नेगेटिव जीत जाएगी। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो, साइंस में मतलब हमने कि नॉर्मल मैथ में माइनस जीत जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब ये उस पर है कि अगर प्लस कितना ज़्यादा, यानी पॉजिटिव एनर्जी जिसका कोई माइंड नहीं होता, उसकी कोई पावर नहीं होती, जिसमें एटम्स होते हैं, वो किसी और एनर्जी में अगर हमला करेगी, और अगर उसके पास उसका दिमाग रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रही तो वो जो दिमाग वाली एनर्जी है, नॉर्मली नेगेटिव एनर्जी, वो खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी जीत जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है और पॉजिटिव एनर्जी कम है तो नेगेटिव एनर्जी जीत जाएगी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी को खुद में अब्जॉर्ब करके और पावरफुल हो जाएगी। ये होता है हम लोगों का नॉर्मल साइंस की यहाँ पर है ना एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आप इसमें ट्वेल्थ में पढ़ रहे होंगे तो शायद ये पढ़ा भी दिया जाए, अभी और आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ना ये है हमने का ये पॉजिटिव नेगेटिव का कांड होता है, तो ये होता है। लेकिन प्योर एनर्जी क्या है? प्योर एनर्जी मतलब नॉर्मली बोले तो सोल, जिसमें न्यूट्रॉन क्योंकि नहीं होते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी होती है नॉर्मल एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मा और सोल। तो ये जो सोल होती है बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है इंसान की आत्मा। जैसे ही बॉडी खत्म हो जाती है, मैटर खत्म हो जाता है, तो फिर हम लोग की जो बॉडी से क्या होगी, ये समझ लो एक बॉडी है, ये बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाएगी, सोल क्या हो गई, बाहर आ गई। अब वो एक नेगेटिव एनर्जी, अब वो अपनी एनर्जी बढ़ाती रहेगी, या तो वो स्पेस में निकल जाएगी अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अब यार
मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आज तक साइंस भी नहीं यहाँ पर है ना बता पाए, साइंस के ये जो साइंटिस्ट के बाल झड़ गए लेकिन ये नहीं बता पाए मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, बहुत बड़ा रहस्य है। तो फिर यहाँ पर है ना ये जो है बहुत ज़्यादा भयंकर बात है, मैं इसमें अभी डिस्कस नहीं करने वाला। तो यहाँ पर है ना प्योर एनर्जी आप नॉर्मली बोले तो आत्मा होती है, समझ गए आप। और अगर यहाँ पर है ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक साथ में लड़ाई करने लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव फ्यूजन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस माइनस एक दूसरे से टकराने लग जाए उसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव फ्यूजन, प्योर एनर्जी यानी आत्मा। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, आत्मा क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं आप भी बताता हूँ। तो आयाम एक ऐसी चीज़ है क्या ही बताऊँ यार, पूरा शुरुआत से बताना पड़ेगा से। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको यहाँ पर है ना वो जो मैंने यहाँ लिखा था वो आपको फिर से चाहिए तो वीडियो में जूम करके ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत भयंकर बात है ये सब। यहाँ पर है ना पूरा ये चैट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक एक चीज़ के बारे में अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पर है ना ये हम लोग पहले बता देता हूँ डायमेंशन, इसके लिए आपको समझना होगा यहाँ पर नॉर्मली हर एक चीज़ कैसे होती है। क्वांटम लेवल से मैं आपको बताऊंगा, क्वांटम लेवल में सबसे नीचे आता है इलेक्ट्रॉन। अब यार बहुत लंबा नाम है लिख नहीं सकता, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब फोटोन और एन मतलब न्यूट्रॉन, समझ लेना ई पी एन इलेक्ट्रॉन फोटोन न्यूट्रॉन, बहुत लंबा नाम है बार बार नहीं लिख सकता। और इसको अगर आप यहाँ पर है ना और ये दूर से देखोगे तो आपको दिखेंगे एटम। अभी और लंबा जाना है भाई, बहुत लंबा है क्वांटम लेवल से। मैं अभी मैंने आपको ये बड़े लेवल से क्वांटम लेवल पे लेकर गया था, क्वांटम से बड़े लेवल पे लेकर जा रहा हूँ। तो ये आ गया एटम, एटम के और ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, खुलड़ खुलड़ मिलेगा नॉर्मल दूरबीन वाला, और अगर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास का नॉर्मल और खुदड़ खुदड़ मिलेगा, और मतलब नॉर्मल चीटी बड़ी बड़ी दिखने लगेगी इस टाइप का। और अगर और पास जाओगे तो फिर यहाँ पर है ना नॉर्मल पत्थर मिलेगा, और अगर और अर्थ लेवल से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, समझ लो पूरा पहाड़ दिखेगा। हाँ मेरे को पता है जगह कम हो गई है, ये समझ लो पहाड़ दिखेगा। और अर्थ के स्पेस से देखोगे तो अर्थ दिखेगी, अर्थ के और ऊपर देखोगे तो अर्थ के ऊपर क्या रहता है, अर्थ के ऊपर रहते हैं हम लोग का सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम दिखेगा। या कौन लिखे एस पी लिख दिया, आप देख लेना सोलर सिस्टम, नहीं एस एस लिख देता हूँ, हाँ सोलर सिस्टम एस एस, ये एस एस दिखेगा। और अगर ऊपर से देखोगे सोलर सिस्टम के भी ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगी हम लोग की मिल्की वे और गैलेक्सी, गैलेक्सी हम लोग की ये गैलेक्सी मिल्की वे, सबको पता है इतने नालायक तो हम लोग भी नहीं है। तो गैलेक्सी यहाँ पर क्या हम लोग की मिल्की वे, और ऊपर से देखोगे इससे भी ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा डायमेंशन, डायमेंशन अभी कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, यूनिवर्स। और ऊपर जाओगे तब दिखेंगे आपको डायमेंशंस। अभी और भी लंबा जाता है भाई, मल्टीवर्स ओमनीवर्स तक आपको लेकर चलूंगा भाई अच्छे से। तो यहाँ पर है ना ये आ जाएगा फिर डायमेंशन, यूनिवर्स के ऊपर क्या होता है आयाम होता है, डायमेंशंस होते हैं, ये मतलब इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर डायमेंशन होते हैं और इन सारे डायमेंशन को मिलाकर बनता है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उतना मैं जाना नहीं चाहता लेकिन छोड़ो यार वीडियो छोटा ही है तो अभी और लंबा जाऊंगा। तो यहाँ पर है ना ये आ गया सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ओमनीवर्स, अभी यहाँ पर है ना हम लोग आ गए डायमेंशंस लेवल पे। अगर आप इससे भी ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा मल्टीवर्स एम वी लिख दिया मल्टीवर्स, और उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा ओमनीवर्स, ओमनीवर्स। ये मैं बहुत ऊपर तक आ गया, उससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि आज तक साइंटिस्ट भी अपना सर खुजा रहे हैं इसके ऊपर क्या होगा। तो ये मैंने बता दिया क्वांटम लेवल से बताया, इलेक्ट्रॉन फोटोन से बताया, फिर आया एटम, एटम से आया खुदड़ 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 से आया पत्थर, पत्थर से आया पहाड़, पहाड़ से आया अर्थ, अर्थ से आया हम लोग का सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से गैलेक्सी मिलके हुआ आया, उससे ऊपर चलोगे तो यूनिवर्स मिलेगा, उससे ऊपर चलोगे तो डायमेंशन मिलेंगे, उससे भी ऊपर चलोगे तो यहाँ पर हम लोग का मल्टीवर्स मिलेगा, उससे भी ऊपर चलोगे तो ओमनीवर्स मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा तगड़ी बात है, ये आज तक साइंस इतना ऊपर जा पाई है, इससे ऊपर यहाँ पर है ना हम लोग के कौन ये साइंटिस्ट नहीं जा पाए, ओमनीवर्स सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर है ना अभी तक इसके ऊपर कौन नहीं जा पाया, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैंने ये सारी लिख दिया। अगर आपको समझना है कि यहाँ पर है ना ये होता क्या है असली में, वैसे मैं बता क्या रहा था, हाँ डायमेंशन के बारे में बता रहा था, ये सब बताते बताते भूल गया डायमेंशन के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर आ जाता है एक चीज़ मैंने आपको बताया, ये डायमेंशन, डायमेंशन बहुत टाइप के होते हैं, डायमेंशन बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बताऊंगा ये डायमेंशन में मेरी अगली वीडियो होगी। मैं थोड़ा हिंट भी कर देता हूँ, 11 टाइप के डायमेंशन होते हैं,
ग्यारह टाइप के डायमेंशंस होते हैं, और ग्यारह टाइप के डायमेंशंस के बारे में आपको मैं फिर से पूरा बताऊंगा। और यहाँ पर एक ग्यारह टाइप के डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझना है, तो फिर क्वांटम फिजिक्स एंड डायमेंशन पार्ट टू भी आएगा। अभी ये पार्ट वन है, इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी आपको बताना बाकी है। तो मैंने आपको बता दिया एटम का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर बताया इजी टू एमसी स्क्वायर, पूरा क्वांटम लेवल से यहाँ पर रहना, मल्टीवर्सल ओमनीवर्सल लेवल पे आपको लेकर गया, रेडियो एक्टिव फ्यूजन सोल के बारे में बताया, प्योर एनर्जी के बारे में बताया। अब समझते हैं ये सारी चीजें मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। साइंस के सत्र से यहाँ एक्सेप्ट करती है कि यहाँ पर रहना ये सच में इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, साइंस इसमें मानती है कि नहीं, तो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो ये साइंस में भी बहुत सारी शाखाएं होती है। सबसे ऊपर मैंने चार्ट बनाकर लिख दिया, ये आता है हम लोग का साइंस, साइंस की बहुत सारी शाखाएं होती है। साइंस के नीचे आता है हम लोगों का ये आता है नॉर्मल सूडो साइंस बोलते हैं, एक होता है सूडो साइंस, एक होता है नॉर्मल साइंस, तीसरा होता है प्रैक्टिकल साइंस। अभी हम लोग का ये जो होता है नॉर्मल साइंस क्या होता है, वेल प्रूव्ड होता है, एकदम एग्जैक्ट प्रूव चीज़ होती है। और इसमें यहाँ पर रहना जैसे आप अभी ट्वेल्थ तक पढ़ाई करोगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलने वाली है। और एक होता है प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस में आता है हम लोगों का ये भी वेल प्रूव्ड होता है, एकदम अच्छी तरीके से प्रूफ किया गया होता है। इसमें केमिस्ट्री आती है और नॉर्मल फिजिक्स आती है, क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल फिजिक्स आती है। और क्या है यहाँ पर केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट आते हैं और नॉर्मल फिजिक्स में भी प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे विंडमिल वगैरह वगैरह बनाते रहना। और यहाँ पर आता है हम लोग का नॉर्मल सूडो साइंस, सूडो साइंस और भयंकर होता है। अभी तक यहाँ पर रहना इसका मतलब होता है सूडो साइंस विथ स्मॉल प्रूफ, मतलब प्रूफ है भाई, साइंस मानती है कि ये है, लेकिन जितना मानने के लिए कि जितना मतलब छप जाए कि यहाँ पर रहना असली में ये है, उससे थोड़े कम प्रूफ होना। अभी एक तो होता है थ्योरी, थ्योरी मतलब अपनी मनमौनी करते रहकर कुछ भी सस्टेंस करके बनाकर रख देना, उसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी, सही होगी तो सही हुई, साइंस सूडो साइंस में रहेगी, जितना कभी एक बार जा भी नहीं पाती। इजिकल टू एम सी स्क्वायर एक थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद में इसे प्रूफ कर दिया गया। तो और फिर आया हम लोगों का ये सूडो साइंस। सूडो साइंस क्या है, ये एक थ्योरी नहीं है, सूडो साइंस मतलब कि जिसके पास प्रूफ है लेकिन थोड़े और प्रूफ मिल जाए तो ये हम लोग की नॉर्मल साइंस में आ जाएगा। और ये जो सूडो साइंस है इसमें भी दो शाखाएं आती है, क्वांटम फिजिक्स आती है और हम लोग का अदर्स आते हैं। क्वांटम फिजिक्स का यहाँ पर आप देखोगे तो क्वांटम फिजिक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एटम लेवल पर किसी भी चीज़ को देखना, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह आपको देखना है तो मेरी वीडियो फिर से देख लेना, पता है यार बहुत लंबी और पकाऊ वीडियो हो गई है। अदर में आता है डायमेंशन और सोल, डायमेंशन और सोल अभी अभी मैं आपको ये सारा जो भयंकर चीज़ बताई है इसी के ऊपर बताया है डायमेंशन और सोल बताने के लिए। डायमेंशन में मेरी अगली वीडियो आने वाली है पार्ट टू क्वांटम फिजिक्स एंड डायमेंशन, तो उसको भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पर रहना एक तो डायमेंशन हो गया, सोल हो गई, क्वांटम फिजिक्स हो गया, सूडो साइंस हो गया, नॉर्मल साइंस हो गया, प्रैक्टिकल साइंस हो गया, नॉर्मल साइंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई यार भाई, ए टू जेड सारी चीज़ें हो गई है। अगर चाहिए तो वीडियो फिर से देख लो। यहाँ पर हम लोग आता है एटम का फिगर, और एटम का फिगर यहाँ पर रहना पूरी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। और ये जो एटम का फिगर है बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है, ये मैं आपको यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिला था, नेट से मैंने निकाल के इसकी ड्राइंग भी कर दी है, एटम के बारे में बता दिया, क्वांटम फिजिक्स ए टू जेड हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने बताकर रख दी है। क्वांटम फिजिक्स यहाँ पर रहना बहुत बड़ी खेत की बोली है, मैं बोल रहा था किस खेत की बोली होगी, बहुत बड़ी खेत की बोली है, ये सारी चीज़ें बहुत भयंकर चीज़ थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी वीडियो में, जय हिंद।